तो बत्तरखेड़े गांव में बाबा जी की गौशाला पर धूप का आनंद लेते हुए जो हरियाणा नस्ल की गौ माताएं हैं यहां पर देखने को मिली। अब सुबह का समय है, तकरीबन 8 बजे हैं और अब इनको तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बीच में गोचर भूमि में ले जाया जाएगा। वहां पर तकरीबन 12 बजे तक, लगभग 2.5 से 3 घंटे तक वहां पर जो चारा चरेंगी, फिर वापस इनको छाया में यहीं पर लाया जाएगा। इसके बाद फिर शाम को लगभग 4 बजे इनको ले जाया जाएगा दूध निकालने के बाद, फिर तकरीबन 7 बजे तक वहीं रहेंगी। तो गोचर का भी आनंद लेती हैं और इस प्रकार धूप में भी रहती हैं। तो जो हरियाणा नस्ल की सुंदर सुंदर गौ माताएं हैं, बड़े बड़े हंप वाली, बड़ी बड़ी थुइयों वाली, अब ऐसी ऐसी गाय शायद ही कहीं देखने को मिले। तो पूरे हरियाणा में बहुत सारी गौशालाएँ देखी हैं मैंने, तकरीबन विजिट करता ही रहता हूँ, लेकिन जैसी सेवा यहाँ पर बत्तरखेड़ी गाँव में गायों की देखने को मिलती है, कुछ ही गौशालाओं में ऐसी सेवा देखने को मिलती है। तो शेत अगर आप गायों की देखोगे तो बिल्कुल लंबे तगड़े शरीर वाली गाय हैं, किसी में भी कोई भी दुबले पतलेपन की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बड़े बड़े हंप वाले बछड़े बछड़ियाँ हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर गौ माताएँ हैं, बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल की गाय। अगर एक साथ 100 से ज़्यादा गाय कहीं पर देखनी हो तो यहाँ पर बत्तरखेड़ी गाँव में ही देखने को मिलेंगी। कुछ गाय जो ताज़ा ब्याई हैं, दूध वाली गाय हैं, उनको यहाँ पर छाव में, यहाँ पर खुरली में रखा जाता है। तो यहाँ पर कात्यायणी नाम की जो गौ माता है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी मनमोहक, और इसी प्रकार यहाँ पर नंदी महाराज आराम करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। एक नंदी यहाँ पर है और एक बछड़ा यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हरियाणा नस्ल का काफ़ी लंबा तगड़ा जो ये सांड है, ये नंदी है, 20 लीटर दूध उत्पादन क्षमता इस गाय माता की है। जो सबसे ज़्यादा आईएस दूध वाली गाय है, यही गाय है। इसी गाय का 10वें ब्यात का जो ये बछड़ा है, पिछली वीडियो में आपको दिखाया गया था कि ये तकरीबन 8 से 10 महीने का था, और अब यहाँ पर देखने को मिला है काफ़ी अच्छे टेस्टिकल, काफ़ी बड़े बड़े टेस्टिकल उभर कर आए हैं, और काफ़ी बड़े हम्प का, कट वाली थुई का, नस्ल संवर्धन के लिए जो हरियाणा नस्ल का उम्दा नंदी तैयार हो चुका है। और इसकी माँ है जो, जिसका नामकरण राधा है, इसने तकरीबन 20 लीटर दूध निकाल कर दिखाया है और 10 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है। अब इस गाय को ज्ञापन नहीं करवाया जाता, मुंह में एक भी दांत नहीं बचा है, और अब सेवा की जाती है, आजीवन इसकी सेवा की जाएगी। तो सिर्फ एक ही थन से दूध आता था, जो पिछला वो जो थन है, और अब इसका दूध नहीं निकाला जाता, इसको ज्ञापन नहीं करवाया जाता। कुछ बछड़े बछड़िया यहाँ पर जो हरा चारा खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। यहाँ पर आप इस नन्ही बछड़ी को देखिए, काफ़ी कट वाली थुई की, काफ़ी बड़े बड़े मोटे मोटे थनों वाली जो यहाँ पर ये बछड़ी देखने को मिली। और इसी प्रकार यहाँ पर इस बछड़े का हंप देखिए आप, काफ़ी बड़े हंप का जो ये बछड़ा है, हंप का आधार देखिए आप, और बिल्कुल काले नाक में, काफ़ी ज़्यादा फुर्तीन में बछड़े बछड़ियों में देखी जाती है। कभी इनको रस्सी नहीं बांधी जाती, स्वतंत्र घूमते हैं, जब मन करे तब अपनी माँ का दूध पीते हैं, जब मन करे तब यहाँ पर चरने आ जाते हैं। तो वहाँ पर जो बछड़ी है, इसके आप थन पासे देखिए अभी से, काफ़ी सुंदर बछड़ी है, काफ़ी जो अडर की जो बनावट है ये देखिए यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा फुर्ती है, अब दौड़कर अपनी माँ के पास वहाँ पर पीछे चली गई है। तो वहाँ पर उसकी माँ है पीछे। और जो ये बाड़ा है, यहाँ पर इस बाड़े में जो गाय हीट में आती है उनको छोड़ दिया जाता है नंदी के साथ। तो जो ये बाड़ा है चारों तरफ से बंद है, वो दो गौ माताएँ हैं, एक तो ये गाय और एक पीछे वो हरियाणा नस्ल की वो गाय, उनको यहाँ पर छोड़ा गया है नंदी के पास में। तो यहाँ पर जो नंदी है हरियाणा नस्ल का, काफ़ी उम्दा नंदी, बिल्कुल काले नाक में है और कट वाला हंप है। और यहाँ पर जो टेस्टिकल्स हैं ये देखिए आप, काफ़ी बड़े बड़े लटके हुए टेस्टिकल, और काफ़ी तगड़ी लंबी कदकाठी का जो ये हरियाणा नस्ल का जो ये नंदी है, और तकरीबन 8 से 9 वर्ष इसकी आयु हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा बछड़े बछड़े यहाँ पर इस नंदी के आए हुए हैं।
यहाँ पर तीन बाड़े हैं जिसमें गाय स्वतंत्र रूप से रहती हैं। एक बाड़ा ये है, एक बाड़ा यहाँ पर है और एक बाड़ा इस दीवार से पिछली तरफ जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था। तो यहाँ पर जाल के पेड़ हैं, इनके नीचे छाया में यहाँ पर गाय हमेशा खुली ही रहती हैं। तो इतने बड़े बड़े बाड़े हैं और गायों की संख्या प्रत्येक बाड़े के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से कम ही है, यानी कि इनको पूरा क्षेत्र दिया गया है आज़ाद रहने के लिए, स्वतंत्र घूमने के लिए। बहुत सारी गौशालाओं में जगह कम होती है और गाय ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल भीड़ भड़ाके का कार्य रहता है, ऐसा यहाँ पर कभी भी देखने को नहीं मिलता। पीछे वहाँ पर शेड भी है जहाँ पर इनकी व्यवस्था की जाती है हरे चारे की या जो सूखे चारे की। और इसी प्रकार यहाँ पर हर बाड़े में जो खुरलियाँ भी बनाई गई हैं ताकि तब मन करे तब चारा भी खा सके। और वहाँ पर जो पीछे पानी के लिए जो टंकी बनाई गई है वहाँ पर पानी भी रखा जाता है। और इसी प्रकार इस बाड़े में वहाँ पर जो खुरली है और वहाँ पर जो पीछे पानी की टंकी है ताकि तब मन करे तब पानी पी लें और तब जी चाहे तब चारा खा लें। तो ऐसी सुंदर सुंदर गौ माताएं यहाँ पर बत्तरखेड़ी गांव में देखने को मिली।